राजस्थान के चार जिलों में पंचायती राज चुनावों का ऐलान होते ही कांग्रेस सक्रिय हो गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति तय की गई। इन जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ ही संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि प्रभारी मंत्री और पदाधिकारियों की टीम के साथ ही पंचायत समितिवार समन्वयक भी लगाए जा रहे हैं। ये टीमें आगामी 3 दिन के अंदर अपने अपने क्षेत्र में जाकर मीटिंग करेगी और पदाधिकारियों से चर्चा करेगी। चर्चा करने के बाद सभी समीकरण देखते हुए टिकट के लिए योग्य प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से टिकटों की घोषणा की जाएगी। डोटासरा ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार की गुड गवर्नेंस और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इकम्बेंसी को देखते हुए इस चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में बेहतरीन कार्य किया है, इसके साथ ही हर वर्ग को राहत देने के लिए कई योजनाएं संचालित की है। डोटासरा ने दावा किया कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है, किसानों में भी केंद्र सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा भरा पड़ा है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पिछले चुनावों का प्रदर्शन दोहराएगी। कांग्रेस ने पिछले दिनों धौलपुर और अलवर में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी को पछाड़कर अपने प्रदर्शन में सुधार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।